दोस्तों, आज हम सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये सब्जी बनाएंगे। आखिरकार ये सब्जी बनने वाली कैसे है वो देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम सब्जी बनाएंगे उसके लिए हम एक बेसिक जो ग्रेवी होती है ना, वो बनाकर फ्रीजर के अंदर 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। और फिर जैसे कि रेस्टोरेंट वाले हो या होटल वाले हो या ढाबे पर आप जो सब्जी खाते हो ना, ऐसी सेम टू सेम सब्जी आप घर पर ही बना सकते हो। और उसका बेस बनाकर रख दिया तो सब्जी सिर्फ 3 से 4 मिनट में बन जाती है। आखिरकार क्या है ये रेसिपी का राज? नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। रोज नए वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम आज ये जो बेस बनाने वाले है ग्रेवी का, वो परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे। यहाँ पर हमने 900 ग्राम मतलब कि 1 किलो के आसपास जो है प्याज ले लिया है, उसके छिलके हटा के हमने रफली कट कर लिया है। और यहाँ पर हमने जो है 60 से 70 ग्राम के आसपास तेल ले लिया है। उसके अंदर हमने 1 तेज पत्ता और 1/2 इंच के जितना दालचीनी और 4 से 5 लौंग, और फिर जो हमने 900 से 950 ग्राम के आसपास जो प्याज को हमने रफली कट किया था ना, उसे हम धीमी आंच पे बिना गुलाबी कलर किए पकाएंगे। हाँ, हमें इसको गुलाबी नहीं करना है, ये प्याज जो है इसे हमें ट्रांसपेरेंट करना है और इसे जो है ना हल्के से सॉफ्ट कर देने हैं, मतलब कि नरम कर देने हैं। और इसे है ना हम बीच बीच में ऐसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और जब हमारे प्याज ठंडे हो जाएंगे ना, और जैसे कि कलर चेंज हो जाएगा ना, तब हम इसे मिक्सर जार में ले लेंगे। और यहाँ पर सीक्रेट नंबर 1 आता है कि हमारे पास 1 मिक्सर जार भर के अगर प्याज हुए हैं ना, तो हम इसके लिए 5 से 6 क्यूब आइस के लेकर इसको हम पीसेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो प्याज की ग्रेवी है ना, वो सफ़ेद की सफ़ेद रहेगी। ये होता है होटल वालों का सीक्रेट राज। और यहाँ पर राज नंबर 2, यहाँ पर हमने 900 ग्राम प्याज लिए है ना, तो यहाँ पर हमने 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम के जितना लहसुन की पेस्ट बना ली है। और अभी हम फिर से है ना वही कढ़ाई में 50 से 60 ग्राम के आसपास, अगर चम्मच से देखा जाए तो 2 बड़े चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा उतना तेल ले लेंगे। और इसके अंदर हमारे जो 50 से 60 ग्राम अदरक है और 50 से 60 ग्राम जो है लहसुन है, इसकी पेस्ट को हम धीमी आंच पर सुनहरी कलर आने तक सोते करेंगे, मतलब कि इसको प्यारा गोल्डन कलर आने तक सोते करना है बस। अब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर है ना साइड में मैंने यहाँ पर 80 से 90 ग्राम के आसपास बादाम को भिगा कर रख दिया था, कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए, जब तक कि इसका हम छिलका निकाल सके ना, ऐसा हमने भिगा दिया। आप यहाँ पर काजू को भी भिगा कर ले सकते हो, पर मुझे ये जो ग्रेवी है ना रिच बनानी है, तो मैंने बादाम लिया। और उतना ही मैंने है ना 60 से 70 ग्राम के जितना जो मेलन सीड्स आते हैं ना, उसे भी 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। और यहाँ पर हमने ले लिया है, जैसे हमने 900 ग्राम जो प्याज लिया था ना, तो अभी हमने यहाँ पर 500 से 550 ग्राम के आसपास टमाटर की प्यूरी बनाकर ले ली, मतलब कि टमाटर को रफली कट करके और उसको कच्चा ही हमने पीस लिया है। वही हमारे अदरक और लहसुन वाली पेस्ट में हम टमाटर को पहले पका लेंगे। और ये टमाटर को अच्छे से पकने के बाद, मतलब कि तेल थोड़ा सा छूटने के बाद, हमने जो प्याज की ग्रेवी बनाई थी ना जो आइस क्यूब डाल के, उसे हम यही कढ़ाई में ले लेंगे। और इसे धीमी आंच पर बहुत ही थिक होने तक, मतलब कि गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये हम आगे देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ग्रेवी रेडी है। अभी हम यहाँ पर साथ में मसाले कर लेते, तो मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम
हल्दी पाउडर ले लिया है और ये दोनों सामग्री को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो हम ये ग्रेवी बना रहे हैं ना बेस, इसे जो है हम 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना रही हूँ। और अभी हम ले लेंगे यहाँ पर 2 चम्मच गरम मसाला, या तो आप किचन किंग मसाला भी ले सकते हो। दोनों भी जो मसाले हैं ना, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो या दोनों हाफ हाफ क्वांटिटी में भी ले सकते हो। और हम है ना इसे धीमी आंच पर ही पकाएंगे। और अभी हम ले लेंगे यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच के आसपास चाट मसाला। जो सीक्रेट राज है वो है चाट मसाला, और जो हमने पहले आइस लेकर जो ऑनियन को पीसा वो भी एक सीक्रेट है, उसे तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हमारे जो ये मेलन सीड्स है ना, उसे हम ऐसे निचोड़ कर एक मिक्सर जार में ले लेंगे। इसे हमने ना 4 से 5 घंटे भिगो कर रखा था, और इसे भी हमें ना बर्फ के साथ पीसेंगे ताकि जो इसका सफ़ेद कलर है ना वो बरकरार रहेगा। मतलब कि जो मिक्सर की हीट लगती है ना वो हमारे मेलन सीड्स को बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि बर्फ़ की वजह से ना जो हमारा मिक्सर जार का जो गरम हो जाता है ना, वो जार बिल्कुल भी अंदर गरम नहीं होगा। अब ये हमारा जो मेलन सीड्स है ना वो दरदरे पीस चुके हैं, और साथ में हमने जो बादाम भी लिया था ना उसे भी पीस के ले लेंगे। पर हमें ना यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ बर्फ का ही यूज़ करना है, मतलब कि प्याज के साथ। और जो हमने काजू या आप बादाम ले रहे हो और साथ में जो मेलन सीड ले रहे हो उसकी पेस्ट के साथ, हमें सिर्फ यहाँ पर बर्फ का ही यूज़ करना है। और अभी आप देख सकते हो कि हमारी जो बेसिक रेड, आप चाहे इसे येलो या आप चाहे इसे ऑरेंज ग्रेवी कह दे, वो हमारा बेस बन रहा है। और अब इसमें से ना ऐसे उबाल आ रहे, आप देख सकते हो ऐसे उबाल आएंगे ना, तब हमारी ग्रेवी जो है वो परफेक्ट बनेगी। अभी हम है ना इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। अब मैं आपको चम्मच को उल्टा करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने चम्मच को है ना ग्रेवी में लिया, डिप किया, फिर उल्टा कर रहे हैं ना, तो ये हमारे चम्मच पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। मतलब हमारी बेसिक ग्रेवी अब रेडी है, और इसे हमें ना कोई भी एक जिप लॉक बैग या आप बोतल में भरकर इसे डीप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो 1 से 1.5 महीने के लिए। अब इसमें से हम सब्जी कैसे बनाएं, तो यहाँ पर मैंने है ना 1 चम्मच बटर ले लिया, उसके अंदर हमने 1 तेज पत्ता और 2 सूखी वाली लाल मिर्च और 2 से 3 लौंग और 2 से 3 काली मिर्च और साथ में 1 चम्मच जो कसूरी मेथी और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तीखापन आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पर 2 हरी मिर्च को भी ले सकते हो। और इसे हमें ना पहले सोते कर लेंगे बटर, या आप चाहे तेल भी ले सकते हो। और इसके साथ जाएगा हमारा फ्रेश क्रीम, वो लिया है हमने 2 चम्मच। और आप चाहे तो यहाँ पर दही का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर रिच, मतलब कि आप जैसे मोगलाई ग्रेवी टाइप की कह सकते हो, ऐसी ग्रेवी बना रहे हैं। और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर जो फ्रेश क्रीम आती है ना वो भी ले ली है। यहाँ पर मैं जो है ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी बना रही हूँ मेरे घर के लिए, इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही क्रीम ली है। आप अगर 3 से 4 लोगों के लिए बनाते हो ना, तो 2 चम्मच क्रीम और 2 चम्मच जो है ना फ्रेश क्रीम भी लोगे तो इनफ हो जाएगा। और अभी हम इसमें फिर से 1 चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर देंगे, और तीखापन आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हो। और यहाँ पर फिर से जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच जो है धनिया जीरा पाउडर, और इसे बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, मतलब कि 1 से 2 उबाल आने तक। और जो हमारी ग्रेवी है ना उसे तो हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पका लिया था, उसके है ना हम यहाँ पर 6 से 7 चम्मच ले लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैंने ज़्यादा ये लिया है। बेसिक अगर आप बनाते हो ना, तो 2 सिर्फ जो प्याज और 1 मीडियम साइज के टमाटर से है ना ये जो ग्रेवी है 3 लोगों के लिए परोसी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारी बेसिक ग्रेवी में से बहुत ही इंस्टेंट 3 से 4 मिनट वाली सब्जी तैयार है, तो आप देख ही सकते हो। और मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। और यहाँ पर हमने ले लिया है कुछ
आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा इतने पनीर कट किए हुए। यहाँ पर मैंने फ्रेश पनीर लिया है। आपके साथ मैंने ऑलरेडी पनीर की भी रेसिपी शेयर कर दी है, तो आप वो लिंक भी हमारा देख सकते हो। और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और फाइनली हमें है ना, अगर कसूरी मेथी और स्ट्रॉन्ग पसंद हो तो यहाँ पर फिर से हम कसूरी मेथी भी थोड़ी सी एक चम्मच हाथों से ही रब करके ऐड कर सकते हैं। तो हमारे इंस्टेंट ऐसी पनीर की येलो ग्रेवी वाली सब्जी तैयार है। और हमने इसे ना हरे धनिए के साथ सर्व कर दिया है। तो आशा करती हूँ कि आज की ये आपको बेसिक ग्रेवी की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। और इसे आप बनाकर स्टोर करिए, और जब भी मेहमान आए या घर पर अचानक बच्चों की डिमांड हुई कुछ छरीस सब्जी खाने की, तब आप इसमें से सिर्फ 3 मिनट में ये सब्जी बनाकर सर्व कर सकते हो। या कभी हमें टाइम हो तब ऐसी ग्रेवी हम बनाकर स्टोर कर दें, और जब भी हमें कुछ मन करे ना इंस्टेंट बनाने का, तब इसमें से ऐसी सब्जी हम बना सकते हैं। तो फिर जल्दी मिलेंगे और नए वीडियो के साथ।